नीट पेपर लीक मामले में एबीपी न्यूज के पास एक और एक्सक्लूसिव कबूलनामा है, मास्टरमाइंड अमित आनंद का कबूलनामा। पुलिस के सामने अमित आनंद ने पेपर लीक की बात कबूली है। नीट एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ, यह अमित का कहना है। उसने यह भी कह दिया है कि मैं अपना अपराध स्वीकार कर रहा हूं और उसने ये भी कहा है कि मैं पहले भी पेपर लीक कराता रहा हूं। सिकंदर की निशानदेही पर मैं पकड़ा गया, तो सिकंदर जो पहले अपना कबूलनामा दे चुका है और ये अमित आनंद अब सामने आया है। देखिए एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव कबूलनामा हम आपको दिखा रहे हैं और ये कह रहा है कि मैं पेपर लीक पहले करवाता रहा हूं, इस बार भी मैंने करवाया है और मैं अपना अपराध स्वीकार कर रहा हूं। पुलिस के सामने मास्टरमाइंड अमित आनंद ने यह कबूल किया कि हाँ मैंने पेपर लीक कराया है, सिकंदर की निशानदेही पर मैं पकड़ा गया और इसी के साथ उसने ये भी कह दिया कि ये पहली बार नहीं बल्कि मैं पहले भी पेपर लीक कराता रहा हूं। पूरा कबूलनामा अमित आनंद का हम इस बिग बॉल के जरिए आपको दिखाने वाले हैं, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। कहा कि मैं पहले भी पेपर लीक कराता रहा हूं, ये कबूला अमित आनंद ने। बिल्कुल, और अमित आनंद क्या कह रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं सिकंदर से निजी काम से मिलने गया था और मेरे साथ नीतीश कुमार भी मिलने गया था। इसने भी कबूलनामा किया है, कहा कि मैंने सिकंदर से कहा था कि मैं प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कराता हूं और इसी के साथ सिकंदर ने मुझसे कहा कि मेरे पास 4-5 अभ्यर्थी हैं जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे प्लानिंग शुरू हुई। तो सिकंदर और नीतीश के बाद अमित आनंद नीट एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ ये अपने कबूलनामे में कह रहा है और इसके अलावा ये कहता है कि अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर याद करवाए गए थे, यानी कि तीनों एक ही बात कह रहे हैं। एक प्रश्न पत्र के बदले में 30 से 32 लाख रुपए लिए, इस बात को भी अमित आनंद ने पुलिस के सामने कबूल किया है। कहा कि मेरे फ्लैट से पुलिस को प्रश्न पत्र और उत्तर के जले हुए अवशेष भी मिले हैं। ये सारी बातें अमित आनंद खुद पुलिस के सामने कबूल रहा है। अब ऐसे में क्या बाकी रह जाता है, ये एक बड़ा सवाल बनता है। बिल्कुल, और शशांक हमारे साथ पटना से लगातार बने हुए। शशांक, कबूलनामे 3 सामने आ गए हैं और इन सब के बीच मंत्री कनेक्शन भी सामने आ रहा है, तो क्या मामला पेचीदा हो रहा है या फिर मामला क्लियर हो रहा है, खुल रहा है? देखिए, मामला पेचीदा भी हो रहा है, एक तरफ मामला क्लियर भी हो रहा है। जिस तरह से हम एक एक करके चीजों को जो दस्तावेज दिखा रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अमित आनंद परीक्षा माफिया है और यह भी कह रहा है कि जले हुए प्रश्न पत्र मेरे फ्लैट से मिले हैं, तो सोचिए बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। अब निर्णय एनटीए को लेना है, सरकार को लेना है। 24 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे नीट के, उनका भविष्य अंधकार में जा सकता है, इसलिए समय रहते निर्णय लेना होगा। और आपको बताऊं कि बिहार में एक नेक्सस पूरा काम करता है पेपर लीक का। खेमनीचक में स्कूल है, वहां पर बच्चों को एक दिन पहले प्रश्न पत्र दिया गया, उत्तर रटवाया गया और वहां पर करीब 20 से 25 बच्चे थे, जिसमें से 4 तो जेल में है, बाकी की तलाश जारी है। और कुछ अभ्यर्थियों को कल यहाँ पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था ईओयू के दफ्तर में, क्योंकि जो आरोपी जेल में है उनसे पूछताछ में कुछ रोल कोड जो है ईओयू को मिले हैं। तो अब एक्शन आगे चल के और क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन जिस तरह से दस्तावेज सामने आ रहे हैं वो काफ़ी कुछ इशारा कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद अब और भी कुछ दिखाने की ज़रूरत है। जो अभ्यर्थी आयुष है उसका भी जो कबूलनामा हमने दिखाया था वो तो स्वीकार कर रहा है कि हमने एक दिन पहले प्रश्न मुझे दिया गया, उत्तर रटवाया गया, वही प्रश्न अगला दिन पूछा गया। अमित जो है ये मास्टरमाइंड है और ये साफ कह रहा है कि मैं पहले भी जो प्रश्न पत्र है विभिन्न परीक्षाओं का वो मैं लीक करवाता रहा हूँ, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का मैं पेपर लीक करवा देता हूँ। तो अपने आप में ये चीजें कई सवाल खड़े कर रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।